जय हिंद जय भारत। दोस्तों आजकल चलान फटाक से जाते हैं तो फोन में मैसेज आता है या नहीं आता है। कई बार लोगों को डाउट रहता है कि यार आरटीओ में मेरा मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं है, कैसे चेक करूं? अगर मुझे चेंज करना पड़ा तो मुझे क्या आरटीओ विजिट करना पड़ेगा या ऑनलाइन हो जाएगा? तो आज हम आपको बताएंगे परिवहन पे आपकी जो आरसी का रिकॉर्ड है उस पे आपका मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करते हैं। सबसे पहले आपको parivahan.gov.in की साइट पे जाना है, वहां से आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, दिल्ली। आप किसी भी स्टेट से वो स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली सिलेक्ट कर रहा हूँ। दिल्ली के करने के बाद में फिर आपको एक रजिस्टर आईडी बनानी होती है, वो आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे उसमें पता चल जाएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो उस पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर अपडेट पे क्लिक करना होगा। उस पे लिखा होगा मोबाइल नंबर अपडेट, उस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसमें गाड़ी नंबर डालना है आपको, चेसिस नंबर की 5 डिजिट नहीं डालनी, चेसिस नंबर पूरा कंप्लीट डालना है, इंजन नंबर भी पूरा कंप्लीट डालना है, फिर आपको उसके अंदर नया मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप नया मोबाइल नंबर डाल दोगे आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको उसके अंदर डालना है तो आपका परिवहन पे आपका नंबर अपडेट हो जाएगा। देखा है ना बड़ा आसान तरीका, घर बैठे आप अपने परिवहन डाटा बेसिस पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी लेटेस्ट तो आपको आपके फोन में मैसेज के जरिए मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत।